जो महान जननेता भोगेंद्र झा की भूमि है, मिथिला की इस पावन भूमि पर जिसका एक आध्यात्मिक महत्व है, मिथिला की इस क्रांतिकारी भूमि पर जिसमें हर दौर में, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो या स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक सरकारें बनी हैं उनका दौर रहा हो, जब जब देश को जरूरत हुआ है इस मिट्टी के लोगों ने बलिदान दिया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ, आप सबको नम्रता दे ले रहा हूँ, हम आप तमाम लोगों को ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि जब ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई एक झंडे की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई मंच की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। तो आप बताइए कि इस लड़ाई में आप 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान आएंगे कि नहीं आएंगे? सब हाथ उठा के बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप लोग मोदी जी से लड़ रहे हैं, ये पक्का गारंटी है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा दिन की तरह इंतजार करना पड़ेगा, आप सब आएंगे ना? अगर आप सब आएंगे तो इस पावन भूमि से खड़ा होकर, खड़ा होकर के मैं आपको वादा दिलाता हूँ, देश को तोड़ने वाली, देश को बांटने वाली ये जो सरकार है इसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। देश का गृह मंत्री कहता है कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हम देश के तनिपाल गृह मंत्री को कहते हैं एक इंच तो क्या, तुम पूरी जमीन छोड़कर जाओगे और वहीं जाओगे जहां तुम्हारा दोस्त मेहुल चौकसी भाग करके गया। इस बात को याद रखना कि ये देश किसी का बपौती नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिख करके दिया है और उस संविधान में यह लिखी हुई है कि टोपी पहनने वाला हो या टीका लगाने वाला, मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला, स्कूल में पढ़ने वाले हो या कॉलेज में पढ़ने वाला, इस घर में पैदा हुआ हो या उस घर में पैदा हुआ हो, इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो, किसी भी इंसान के साथ जन्म के आधार पर, उसकी मान्यता पूजा उपासना के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर तुम अंग्रेजों की तरह इस देश की आवाम को, इस देश की जनता को बांटना चाहते हैं तो हम तुमको बता देते हैं जो अंग्रेजों की चाल चलेगा वो अंग्रेजों की मौत है। हम तुमको कह देना चाहते हैं कि तुम अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत अगर इस देश को बांटना चाहते हो तो हम तुमको गांधी का वो बात याद दिलाना चाहते हैं। गांधी कहते थे, आप लोग गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? गांधी को मानते हैं ना? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस देश में एक बार धर्म के नाम से इन जालिमों ने हमारे देश को बांटा है। एक बार एक तरफ से लोग आकर के कहे कि हम मुसलमान बचाएंगे और दूसरी तरफ से लोग आकर के बोले कि हम हिंदू बचाएंगे, उस वक्त हम लोग इस बात को नहीं गौर कर पाए कि जो कहते हैं कि हम हिंदू बचाएंगे और जो कहते हैं हम मुसलमान बचाएंगे, दरअसल वो अपना कुर्सी बचा रहे हैं और अपने बच्चों की कुर्सी को बचा रहे हैं। ये गलती एक बार इस देश में हुई है, ये गलती इस देश में दोबारा नहीं होगी। बोलिए आप लोग कसम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? समझ लीजिए कि इस देश को हम दोबारा बचने नहीं देंगे। फूट डाले राज करो की इस नीति को नंगा करेंगे, जनता के सामने लेकर के जाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे और इस देश के लोगों को उनका इतिहास याद दिलाएंगे। क्या करते थे अंग्रेज हमारे साथ? गाय का मांस मंदिरों में फिकवाते थे, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवाते थे, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते थे और शाम को बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे कि बताओ कितने हिंदुस्तानियों का सर कटा है। ये अंग्रेजों के चापलूस आज फिर से चाय पे चर्चा कर रहे हैं, हमको किसी
और चर्चा में उलझाकर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है और हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक थमाता है। ये साजिश हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये फूट डालो राज करो की नीति इस देश में क्यों पैदा की जा रही है। ये फूट डालो राज करो की नीति इस देश में इसलिए पैदा की जा रही है कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो लाजिम है कि जिसने बेच दिया हो अपना ईमान वो टीवी में बैठ के करेगा हिंदू और मुसलमान। आपका ईमान बिकाऊ है क्या? आपने इतना ईमान बेचा है क्या? हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। हम करेंगे तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम सब की बात करेंगे। ये जो बांटने वाले लोग हैं इनको हम कह देना चाहते हैं कि आपकी साजिश को हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप अपने वादों में फेल हो गए हैं। विकास का ढोलक फट गया है, एकदम रद्दी रद्दी हो गया है। और विकास का ढोलक जब फट गया है, देश की जनता जब ये सवाल पूछने लगी है कि बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, है सरकार बताओ कि देश में आज सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, है सरकार बताओ कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था आज सबसे खराब स्तर पे क्यों पहुंच गया है। इसीलिए ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमको हिंदू और मुसलमान में उलझाना चाहते हैं। तो इस सरकार को हमको चुनौती देनी पड़ेगी और सरकार को कहना पड़ेगा, है सरकार अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाकउल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह इस देश के लिए सारे तरह के लिए तैयार हैं। अगर हम अपने देश में मरने मिटने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जितना जोर लगाना है लगा लें। इनका जो रात दरबारी चैनल है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, इनका जो टिका हुआ मीडिया है जो इस देश में दिन रात धर्म का धंधा करता है, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि रे बाबू, तुम आज दलाली कर रहे हो। तुम्हारे पुरखे अंग्रेज का दलाली करते थे, उनसे उनका इतिहास भी उठाकर देख लो। इस देश में धर्म को मानने की इजाजत सबको है, और तुम जो कहते हो धर्म खतरे में है, तो हम बखूबी समझते हैं कि धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। और कुर्सी पे तुमको जनता बिठाती है, जो जनता तुमको कृषि पे बिठा सकती है प्राण आंच करके उतार भी सकती है। कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार ये लोग किसान आत्महत्या करने को विवश है, मजदूरों को बुरी से बुरी स्थिति में काम करना पड़ता है। अभी दिल्ली में घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि मजदूर जल करके मर गए, क्योंकि फैक्ट्री जिस बिल्डिंग में चल रहा था उस फैक्ट्री को बिल्डिंग चलाने की इजाजत नहीं थी, फैक्ट्री चलाने की इजाजत नहीं थी। घूस दीजिए सरकारी बाबू को, सब चीज का इजाजत मिल जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? क्या ये हमारा मुद्दा नहीं है? हमारे मुद्दों को भटका करके ये देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, और यही आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने नया सगुफा छोड़ा है जिसका नाम है NRC, जिसका नाम है NPR, जिसका नाम है CAA। अब उसमें भी एक नया बहस खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि NRC लागू नहीं होगा, और गृह मंत्री कहते हैं कि पूरे देश में NRC लागू